मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। और व्यक्तिगत बोलचाल में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कम से कम करिए, क्योंकि आपको बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का अर्थ नहीं मालूम है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हर शब्द का अपना एक इतिहास होता है, ऐसे ही अंग्रेजी शब्दों का अपना एक इतिहास है, लेकिन उस इतिहास को जानकर अगर आप शब्द इस्तेमाल करते हैं तब तो आपको छूट है। बिना जाने अनजाने में आप बोलते रहते हैं, वो बहुत खतरनाक है। एक शब्द है जिसको हम कहते हैं मैडम, बहुत खतरनाक है। अगर इसको आप जान लेंगे तो आज के बाद किसी को मैडम कहने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे आप। हम किसी को भी, राह चलती बहन को, मां को, बेटी को मैडम कह देते हैं, और हमारे देश का भला हो बहनों का, वो भी मैडम कहलवाने में गौरव महसूस करती हैं। हमको मैडम कहो। मैडम का अर्थ जान लीजिए, एम ए डी ए एम ई, ये शब्द है मैडम। मूलतः ये फ्रेंच का शब्द है। फ्रेंच में एक शब्द होता है, उसका नाम है मादाम। एम ए माने मां और दाम, डी ए एम ई दाम। मां माने मेरा, दाम माने महिला, मेरी महिला, मेरी स्त्री, मेरी औरत, वो है मादाम। फिर वो अंग्रेजी में चला गया, क्योंकि अंग्रेजी वालों ने सारी दुनिया से उधार लिए हुए शब्द सबसे ज्यादा है। अंग्रेजी के मूल शब्द सबसे कम है, दुनिया भर की भाषाओं से उधार लेकर खिचड़ी बना रखी है उन्होंने। तो ये मादाम शब्द फ्रेंच से ले लिया, अंग्रेजी में आ गया, जिसका मूल अर्थ है मेरी स्त्री, मेरी महिला, मेरी औरत, उसको आप कह सकते हैं मैडम। अब सारी महिलाएं आपकी हैं, सारी स्त्रियां आपकी हैं, सारी औरतें आपकी हैं। हैं तो बहन के रूप में, हैं तो मां के रूप में, पत्नी के रूप में नहीं हो सकती सारी स्त्रियां, सारी महिलाएं। तो गलती से भी कल से किसी को मैडम मत कहिए। मां बोलिए, बहन बोलिए, मां कहिए, बहन कहिए, बेटी कहिए, बेटी कहिए, अगर छोटी है बराबर की है तो आप बहन कहिए, जो कहना है कहिए। भारतीय शब्दों में रिश्ते बिल्कुल स्पष्ट हैं। बहन का रिश्ता एकदम स्पष्ट है, मां का रिश्ता एकदम स्पष्ट है, बेटी का रिश्ता एकदम स्पष्ट है, पत्नी का रिश्ता एकदम स्पष्ट है। इतने स्पष्ट रिश्ते दुनिया के किसी शब्द में नहीं मिलेंगे जो भारत में। मैडम का रिश्ता ही स्पष्ट नहीं है आपको, और हो गया तो कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैडम कहना बंद कर दीजिए। और जो आपके नजदीक में मैडम कहलाने वाली बहनें हैं, उनको भी जरा ये बता दीजिए कि आप किस किस की हो सकती हैं, किसकी नहीं हो सकती है, तो ये मैडम बंद करें। और एक बहुत खराब शब्द है सर, सर, सर। ऐसी गुलामी घुसी हुई है हमारे यहां। मैं कार्यालयों में जाता हूं तो एक ही शब्द सुनता हूं, यस सर, ओके सर, राइट सर, वेरी गुड सर, फाइन सर, सर, सर। मालूम है सर क्या है? ये जो एस आई आर सर शब्द है, ये अंग्रेजी का शब्द है, मूलतः अंग्रेजी का है, और ये शब्द आया है पदवी से। एक पदवी होती है जिसको सर कहा जाता है इंग्लैंड में। जैसे हमारे यहां आचार्य जी है ना, वो एक पदवी है ना, वैसे ही सर एक पदवी है। लेकिन कोई अच्छी पदवी हो तो बोलने में मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। ये पदवी क्या है वो जान लो। यूरोप में, पूरे यूरोप में सभी भाषाओं में ये सर शब्द है। अंग्रेजी में मूल रूप से आया, फिर दूसरी भाषाओं में गया। पूरे यूरोप में एक मूल परंपरा है जिसको आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, दूसरों को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा हजारों साल तक यूरोप में रही है। दूसरों को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा यूरोप में बहुत लंबे समय तक रही है, हजारों साल तक रही है। तो होता क्या है यूरोप में, जो व्यक्ति जितने ज्यादा लोगों को गुलाम बना के रख सकता है वो उतनी ही ऊंची पदवी का अधिकारी होता है, उसकी पदवी उतनी ऊंची होती है।
गुलाम बनाकर जो रख सकता है उसकी पदवी उतनी ही ऊंची हो सकती है। महिलाओं को गुलाम बना के रख सके, पुरुषों को गुलाम बना के रख सके। गुलामी की प्रथा पूरे अमेरिका, पूरे यूरोप का सबसे शर्मनाक और काला अध्याय है जिसको वो कभी मिटा नहीं पाएंगे दुनिया के सामने। उस गुलामी की परंपरा में से निकला है सर। जिनके गुलाम सबसे ज्यादा हैं वो सर की उपाधि से विभूषित किए जाते हैं। भारत दुनिया में एक ऐसा अद्भुत देश है जहां कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता। कारण क्या है? यहां सब स्वतंत्र हैं, क्योंकि आत्मा सबकी समान है और सब ईश्वर के पुत्र हैं, सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। चींटी भी आपकी गुलाम नहीं है, मक्खी मच्छर भी आपके गुलाम नहीं है, वो भी स्वतंत्र जीव है, आप भी स्वतंत्र जीव है। भगवान उनको जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है जितना आपको। तो हम तो चींटी मक्खी मच्छर को गुलाम नहीं बना सकते, आदमी को गुलाम बनाना तो दूर की ही बात इस देश में संभव नहीं। तो यहां गुलामी की परंपरा हो नहीं सकती और वहां गुलामी के अलावा दूसरी कोई परंपरा नहीं हो सकती। तो वो सर के शब्द का इस्तेमाल करते हैं उस गुलामी की परंपरा को बताने के लिए और समझाने के लिए। हम हमारे देश में कम से कम इस गलत शब्द का उपयोग ना करें। आपको सर बिल्कुल हटा देना चाहिए अपने जीवन में से। और अगर किसी अननोन अनजान आदमी को आप संबोधित कर रहे हैं तो श्रीमान कहिए ना, कितना सुंदर शब्द है श्रीमान। श्रीमान कहिए, श्रीमान कहिए, महाशय कहिए, महोदय कहिए, कोई भी शब्द ले लीजिए, हिंदी का संस्कृत का शब्दों की कोई कमी नहीं। और अपने शब्दों में दम कितना है। थोड़ी देर पहले मैं मैडम बता रहा था ना, और भारत का एक शब्द है श्रीमती। श्री माने लक्ष्मी, मति माने बुद्धि। लक्ष्मी और बुद्धि, लक्ष्मी और सरस्वती जहां एक साथ निवास करे वो श्रीमती, वो मैडम नहीं है। मैडम अलग है, श्रीमती अलग है। हम कई बार भाषांतर कर देते हैं ना, मैडम का श्रीमती कर दिया, सर का श्रीमान कर दिया। ये बड़ा खतरनाक खेल है।